ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने बॉर्डर गर्ल्स का ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम के तीन खतरनाक खिलाड़ियों के बारे में खुलकर बात की। लियोन ने कहा है कि भारतीय टीम काफी मजबूत और चुनौतीपूर्ण है। लियोन ने जोर देकर कहा कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। यशस्वी और शुभमन से भी ऑस्ट्रेलिया को खतरा है। भारतीय स्पिनर यूजी चहल इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। चहल ने इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में डर्बीशायर के खिलाफ 5 विकेट चटकाए। काउंटी क्रिकेट में युजवेंद्र चहल ने डर्बीशायर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए अकेले ही आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। चहल ने 45 रन देकर 5 विकेट झटके। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग ने भारत की प्लेइंग 11 का सिलेक्शन किया है। इस टीम का सिलेक्शन ब्रैड हॉग ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए किया। ओपनिंग में उन्होंने रोहित शर्मा और यशस्वी को चुना है। ब्रैड हॉग ने अपनी प्लेइंग 11 में केएल राहुल और अक्षर पटेल को जगह नहीं दी है। 19 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच खेलेगी। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में प्रतिभा की कमी है। गांगुली ने बताया कि मैच विनर खिलाड़ी को तैयार करने के लिए पीसीबी को बड़े बदलाव करने की जरूरत है। गांगुली का बयान तब सामने आया है जब पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में बुरी तरह हरा दिया। गांगुली ने बताया कि पाकिस्तान में खेल से जुड़े लोगों को इस बारे में सोचना होगा। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट का तीसरा दिन भी बारिश की वजह से धुल गया। मैच अधिकारियों ने लगातार बारिश के चलते तीसरे दिन के खेल को सुबह ही रद्द कर दिया। पहले दिन बारिश और गीले आउटफील्ड के चलते मैच शुरू नहीं हो सका। दूसरे दिन बारिश नहीं हुई लेकिन मैदान को ग्राउंड्समैन तैयार नहीं कर सके। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सोशल मीडिया पर तीसरे दिन की तस्वीरें शेयर की हैं। ग्रेटर नोएडा के लिए अब इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी मुश्किल हो सकती है। ICC बैन लगा सकता है। ग्रेटर नोएडा स्टेडियम को पहली बार किसी टेस्ट मैच की मेजबानी मिली थी। ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम का भविष्य अब मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ की रिपोर्ट के भरोसे है। ICC सभी इंटरनेशनल मैच के बाद मैच रेफरी की रिपोर्ट के आधार पर पिच और स्टेडियम को रेटिंग देता है। इंग्लैंड श्रीलंका टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। नंबर 1 पर काबिज इंग्लैंड के जो रूट को नुकसान हुआ है, रूट की रेटिंग 899 हो गई है। दूसरे स्थान पर मौजूद केन विलियमसन के 859 रेटिंग पॉइंट्स हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 768 की रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 757 की रेटिंग के साथ रैंकिंग में नंबर 4 पर हैं। टीम इंडिया के टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को रैंकिंग में 1 स्थान का फायदा हुआ है। रोहित 751 की रेटिंग के साथ नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा यशस्वी 6ठे स्थान पर हैं। विराट कोहली अब 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। विराट की रेटिंग 737 है। विराट को 1 स्थान का फायदा हुआ है। टीम इंडिया ने काफ़ी समय से टेस्ट मैच नहीं खेला है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड की टीम में 3 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तीनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करेंगे। इंग्लैंड के लिए T20 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के नाम जॉर्डन कॉक्स, जैकब बेथल और जेमी ओवरटन हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच में जॉर्डन कॉक्स पर सभी की नज़रें रहने वाली हैं।